नमस्कार एंड वेलकम अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी फ्रैक्शन को हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं। इट मींस कंपेयर द फ्रैक्शंस। कोई भी फ्रैक्शन है, जैसे कि आपको ये एक फ्रैक्शन गिवन है 3/8 एंड दूसरा है 4/5। इसे कंपेयर करना है, यानी कि हमें ये बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा वाला है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो इसे बताने के लिए आप पुराने तरीके से इसे सोल्व करते आए होंगे अब तक। जैसे इन दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हो 5 और 8 का, फिर एलसीएम आने के बाद एलसीएम लिखोगे और फिर डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद फिर मल्टीप्लाई करोगे, देन इनको एक फ्रैक्शन में चेंज करोगे और फिर देखोगे कि कौन छोटा और कौन बड़ा फ्रैक्शन है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं जो आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ उससे आप चुटकियों में इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 5 और 3 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए जो कि 15 होता है। 4 और 8 का भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए जो कि होता है 32। तो मैं यहाँ पर 32 लिख देता हूँ, और जैसे मैं 32 लिख देता हूँ तो अब 15 और 32 को कंपेयर करके आप बहुत आसानी से इन फ्रैक्शंस को बता सकते हैं कि कौन बड़ा है। तो यहाँ पर 32 बड़ा है, सो यहाँ पर 4/5 बड़ा है। एक क्वेश्चन तो ये हुआ। हम लोग और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं आपके सामने अब की बार 3 फ्रैक्शन लिखूँगा और इन तीनों फ्रैक्शन को पहचानना है कि सबसे छोटा कौन है, फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा फ्रैक्शन को पहचान करनी है। तो मैं उसी मेथड को यहाँ 2-2 फ्रैक्शन के लिए अप्लाई करूँगा, क्योंकि जो एलसीएम वाला मेथड है वो लॉन्ग प्रोसेस है और उसमें बहुत टाइम लग जाता है। देखिए यहाँ 8 और 2 का मल्टीप्लाई करें तो 16 हुआ। ठीक ऐसे ही 5 और 7, इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यू नो दैट 35। तो मैं यहाँ पर 35 लिख दूंगा। अब देखिए इन दोनों फ्रैक्शन में, फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन में 35 बड़ा है, इसलिए 7/8 जो फ्रैक्शन है वो बड़ा फ्रैक्शन है। तो मैं इस बड़े वाले निशान के लिए इसे लगा लेता हूँ। देखिए इस निशान को अब 7/8 और 2/5 के बिटवीन हम लोग लगा सकते हैं। एक इन दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर करने के बाद अब सेकंड और थर्ड कंपेयर करेंगे। सेकंड और थर्ड को कंपेयर करने के लिए वही प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं। इन दोनों में देखते हैं कि कौन बड़ा वाला फ्रैक्शन है। 5 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 15, और ठीक ऐसे ही मुझे 2 और 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 जा होगा हमारे 8। तो मैं 8 लिख दूंगा, और इन दोनों नंबर को कंपेयर करने से आपको बहुत आसानी से पता चल रहा होगा कि 3/4 बड़ा फ्रैक्शन है। अब तक हमें पता चल गया है कि 2/5 फ्रैक्शन सबसे छोटा है। तो मैं इसको सबसे पहले लिख देता हूँ फर्स्ट में, और अब इन दोनों फ्रैक्शन को हमें कंपेयर करना है 7/8 और 3/4 फर्स्ट एंड लास्ट को। तो इन दोनों में से जो बड़ा फ्रैक्शन होगा और जो छोटा फ्रैक्शन होगा उन दोनों को हम लोग अलग अलग लिख लेंगे। 4 और 7 का मल्टीप्लाई किया 28 हुआ, ऐसे ही 8 और 3 का मल्टीप्लाई करा 24 हुआ। 24 और 28 में से अब अपने को पता चल गया कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, 7/8 और 3/4 छोटा फ्रैक्शन है। देखिए सबसे छोटा 2/5 था, उससे थोड़ा बड़ा फ्रैक्शन 3/4 हुआ, तो 3/4 लिखा, और सबसे बड़ा वाला जो फ्रैक्शन है वो 7/8 हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।